ड्रामा श्री अमानत की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे, फवाद अपनी हाला को कॉल करके कहता है कि हम हैरियत से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ये बात मलक साहिब सुन लेते हैं। इस बात का इल्म होने के बाद ही वो गुस्से से अपनी बीवी से कहते हैं कि मुझे तो पहले ही तुम पर शक था कि इसके पीछे जरूर तुम हो। तुमने मेहर को जानबूझकर यहां से भगा दिया ताकि वो कैसर से शादी न कर पाए। तुम इस हद तक गिर सकती हो, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। इसके बाद मलक साहिब अपने बंदों को लेकर उसी जगह पर पहुँच जाते हैं, लेकिन इस बात का इल्म फवाद और उसके दोस्त को मालूम नहीं होता। जब वो किसी काम से बाहर जाते हैं तो मलक साहिब के लोग उसी वक्त फवाद पर गोली चला देते हैं। वो जरर से कहता है कि तुम मेरी बीवी की हिफाजत करना, वो तुम्हारे पास मेरी अमानत है। ये कहने के बाद फवाद जरर के हाथों में ही अपनी जान दे देता है। जरर भागते हुए वापस आकर मेहर को सारी हकीकत बताता है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए क्योंकि वो लोग तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। जरर मेहर को लेकर वहाँ से बहुत दूर चला जाता है। मलक साहिब हर जगह मेहर को तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता क्या मेहर यहाँ से भाग गई है। ड्रामा श्री अमानत की आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।